हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक हेयर क्लिपर यानी ट्रिमर के बारे में, जो कि फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था। और ये जो कंपनी है वो FYC कंपनी की है। अगर इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसकी एक स्लिप मिलती है। और चलो दोस्तों, देखते हैं इसे पूरी तरह से ओपन करके कि क्या सब इसके साथ मिलता है। ये एक प्लास्टिक कवर में पैक है और इसका कुछ बॉक्स इस तरह से दिखता है। और पूरा का पूरा डिटेल आपको इसके खोलने के बाद पता चलेगा कि क्या सब दिया जा रहा है। और ये इलेक्ट्रिक पे चलने वाला है, इसमें बैटरी वाला सिस्टम नहीं है। दोस्तों, बैटरी वाले में एक प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ दिनों तक सही काम करता है, उसके बाद फिर उसका बैटरी बैकअप कम हो जाता है। इसके साथ दोस्तों ये एक मेन्यू कार्ड दिया गया है। मेन्यू मतलब दिया गया है कि किस तरह से इसे यूज़ करना है, इंस्ट्रक्शन बुक है और वही दिया गया है। इसके साथ साथ हमें बाल का साइज, मतलब तीन तरह से छोटा, मीडियम साइज और लॉन्ग साइज में रखने के लिए तीन ब्लेड दिए गए हैं, जो कि इसके साथ फिट हो जाते हैं बिल्कुल। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मीडियम रेंज में है, और वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। और ये रहा उसका ऑयल और एक स्मॉल सा मिनी ब्रश जो कि इसे साफ़ करने में काम आता है। और दोस्तों अब इसके मेन ट्रिमर की बात आती है हेयर क्लिपर की। ये दोस्तों लगभग 1 मीटर लंबे तार के साथ आता है, जो कि सीधे इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करके चलाने में यूज होता है। इसके ब्लेड के ऊपर आपको एक कवर देखने को मिलता है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा फाइन लगता है। ये आपको बहुत सारे सैलून में भी देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी मिनिमम है, अगर इसके प्रोडक्ट की तरफ देखा जाए तो ये मात्र 700 रुपये का है। और अगर इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो आपने साउंड इसका सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा लो है। बस इसमें यह है कि थोड़ा वाइब्रेट करता है, तो आपको उतना तो यार सारा का सारा जो भी ट्रिमर है वो भी वाइब्रेट करता है। इसमें अंगूठे के पास एक बटन दिया गया है ऑन ऑफ वाला, और एक राइट साइड में भी बटन दिया गया है। और दोस्तों अंगूठे के पास ही एक राइट साइड में ही आपको देखने को मिल जाता है ये ब्लेड। और इसे दबाने से आपको, मतलब हेयर का साइज बड़ा और छोटा होता है। तो दोस्तों ये अनबॉक्सिंग कैसी रही ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और दोस्तों इसे 1 महीने के बाद यूज़ करने के बाद मैं इसका फुल रिव्यू करूँगा। तो दोस्तों ये मीडियम प्राइस में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।